स्वर्गीय बीसा हुदास महंत न सिर्फ बांगो बांध बल्कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के भी स्वप्न दृष्टा थे। वे सही मायने में गांधीवादी मानवता के पुजारी थे। उन्होंने राजनीति में गुरु, बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए सभी का मार्गदर्शन किया। आज उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सभी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। ये उद्गार अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जन नेता स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की 16वीं जयंती शताब्दी समारोह के अवसर पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अतिथियों ने व्यक्त किए। पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि महंत परिवार जांजगीर, कोरबा और छत्तीसगढ़ का सदैव ऋणी रहेगा। कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि बाबूजी के पदचिन्हों पर चलना मेरा धर्म है। महंत परिवार 1952 से लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है। मानव सेवा करना मैंने इसी परिवार से सीखा है और आगे भी सेवा करती रहूंगी। कोरबा से चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट। आज 100वीं जन्म जयंती है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले बार जांजगीर से किया कि 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। आज उनका 100वां जन्मदिन समाप्त हो गया। 100 साल पहले जन्म लेने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे लोग थे, ये जानने के लिए हमने उनके साथियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो भी आज जीवित अवस्था में है, वो राम जी है, हमारे अरविंद नकाम जी हैं, इन लोगों ने उनके साथ देखा है, इतना जिया है और वो लोग क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे भावों को व्यक्त करके हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि पुराना दिन नदा गया, तो नदा तो गए मगर उनके बातों को सुन के उस तरह के आचार विचार व्यवहार वाले जन्म लेते रहें, सीखते रहें और हम लोग अपने समाज में एक सच्चे समाज सेवा के रूप में उभरे, यही आज का मेरे आयोजन का कारण था। हमारे सभी साथियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार। सर, स्वर्गीय बिसाहूदास जी के राजनीतिक कार्यकाल को भी आपने काफ़ी करीब से देखा और अब के कांग्रेस के कार्यकाल में कितना अंतर हो गया है और कहाँ कमियाँ लगती है या फिर क्या और ढूंढना चाहिए? मेरे राजनीतिक जीवन को 44 साल हो गए। उसके पहले मेरे पिताजी ने खाना खाते समय बुलाया मुझे और मेरे भाई बहनों को, तो उनने कहा आज से मतलब 44 साल पहले, 40 भी हो सकता है, 47 भी, अभी एकदम रात याद नहीं आ रही है, उनने कहा कि अब राजनीति बहुत ख़राब हो गई है, मेरे परिवार से कोई राजनीति में मत आना। उसके बावजूद भी मैं आया, कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ थी, मगर मेरे पिताजी ने आज से 45 साल पहले कर लिया था कि आज की राजनीति वैसी नहीं है जैसे हमें। अब आप खुद पिता हैं, सूरज पांत को आप क्या देना चाहेंगे सुझाव, ये बता दीजिए। देखिए राजनीति, देखिए जो परिवार अगर इसको सिर्फ सेवा के भाव से लेता है सर, उसके लिए राजनीति में कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे ही लोगों ने 44 साल तक पाला अपने बच्चे की तरह, अगर वो ऐसा कर सकता है तो राजनीति में आ सकता है, नहीं कर सकता तो नहीं आएगा। सर, भाजपा जिस तरह से आक्रामक प्रचार कर रही है और आप लोग अभी भी कोई तीखा हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी तीखा हमला नहीं करते, कभी लड़ने के मूड में नहीं आते। भाजपा वाले पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व को FIR दर्ज करा रहे हैं, हमारे अनेक सारे साथियों के प्रति उनने ऐसा व्यवहार किया है कि तुमको IDC की जांच कराएंगे, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अभी जांच शुरू करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि कुछ देने के लालच ले जा रहे हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोगों को करेंगे क्या करेंगे। सर, लेकिन कांग्रेस में तो अंतर्कलह चल रही है, रामकुमार शुक्ला अपना लाइसेंसी पिस्टल मांगते हैं कि मेरे को अपने पार्टी के लोगों से ही खतरा है, तो ये आपसी प्रतिद्वंदिता इस पर क्या कहेंगे, पार्टी में अशांति लग रहा है? देखिए मैं अभी तक
उनके रायपुर में रहा हूँ सर, इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई। कलेक्टर को लेटर लिखा सर उन्होंने? लिखा नहीं, मैं रहा हूँ अभी। इस तरह चुनाव के दौरान बात करना पूरी राजनीतिक बात हो जाती है, तो मैं कहता हूँ इस तरह की राजनीतिक बातों को हमें ध्यान दे देना। सर, बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं अभी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भीतरघात किया था, आप लोग उनको अपना रहे हैं अभी, क्या वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे पार्टी को? देखिए, उनसे गलती हो गई, कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में, विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है, और ऐसे समय जबकि लोग भाग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलती को स्वीकार करके आना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है, हम लोग उनका स्वागत करें। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको पूछ परख करने में कहीं चूक कर गई, जिसके कारण अशांति है। स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं, और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई, इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। लेकिन जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, ना नहीं कर पाएगा। आज अरुण साहब का एक बयान आया है सर कि अब भूपेश है तो भरोसा नारा कहीं दिख नहीं रहा है, राजनांदगांव में खुद भूपेश बघेल अकेले पड़ गए हैं। देखिए, नारा तो वो कांग्रेस पार्टी ने वो जिताने के लिए दिया गया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण साहु जी अब आए हैं, देखते हैं, 2 महीने तो हुए अभी, कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उनका पद कितने दिन का है, अभी तो कुछ दिनों में पता लगेगा। अभी तो ये लोकसभा के चुनाव है इसलिए सब चुप है, अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ इस टाइप का भाई साहब थोड़ा बता दीजिए, इस टाइप को आप सब जानते हो, कौन मंत्री हैं सर हमें बता दीजिए, बाहर बता दूंगा। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदाने दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ़ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, जिंदल बेवकूफ़ बन सकते हैं? बन सकते हैं, उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल